नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का जो उर्दू शेर व अदब के आसमान में सितारे की तरह चमक रहा है और आने वाली नस्लें और मौजूदा नस्लें उसकी चमक से मुनव्वर हो रही हैं। ये नाम है बिस्मिल सईदी का। आज के इस एपिसोड में हम बिस्मिल सईदी की हयात व खिदमत पर बात करेंगे और उनकी गजलों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। बिस्मिल सईदी का असल नाम सैयद ईसा मियां था। बिस्मिल उनका तखल्लुस था और उनका ताल्लुक टोंक से था। उनकी पैदाइश 6 जनवरी 1901 में हुई। इब्तदाई तालीम और तरबियत उनको घर ही से मिली। शायरी का जौक व शौक वालिद से मिला और उनका शुमार 20वीं सदी के मशहूर और मुमताज शौरा में किया जाता है। बिस्मिल सईदी रिवायती तर्ज के शायर हैं। उनकी गजलों में रिवायती आहंग मुख्तलिफ नजर आता है और उनकी नज़में अपनी जहतों के लिए बहुत मशहूर हैं। आइए नाजरीन, बिस्मिल सईदी पर मजीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। कहते हैं मोहब्बत में, कहते हैं मोहब्बत फ़कत उस हाल को बिस्मिल, जिस हाल को हम उनसे भी अक्सर नहीं कहते। इस शेर के खालिक मोहतरम बिस्मिल सईदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने ज़माने के 20वीं सदी के खालिस क्लासिकी तर्ज के शायर थे। बिस्मिल सईदी का नाम है असली, उनका असली नाम सैयद ईसा मियां था। बिस्मिल सईदी साहब का तखल्लुस बिस्मिल था। 6 जनवरी 1901 को वो रियासत टोंक हिंदुस्तान के एक सूबे राजस्थान के मशहूर शहर टोंक में एक मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ बड़े ही मारूफ घराने में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर ही हासिल की थी। शायरी का ज़ौक जद्द अमजद मौलवी हकीम सैयद अहमद अली साहब सीमाब और अपने वालिद बुज़ुर्गवार मौलाना हकीम सैयद सईद अहमद साहब असद से विरसे में मिला। साद साहब एक शफीक बाप भी थे और मेहरबान उस्ताद भी। मोहतरम बिस्मिल सईदी ने मदरसा आलिया से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद रियासत राजस्थान के दूसरे शहर टोंक को छोड़कर राजस्थान के बेहद खूबसूरत शहर जयपुर चले गए। 1940 में जब वो जयपुर गए, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशगवार अंदाज से गुजारना शुरू किया और मुमताज़ुद्दौला नवाब मुकर्रम अली ख़ान साहब रईस के मुसाहिबीन में शामिल हुए। यहाँ जयपुर के अंदर बिस्मिल साहब ने 7 क़याम किया। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर दिल्ली आ गए और बिस्मिल सईदी साहब का 26 अगस्त 1976 को दिल्ली में ही इंतकाल हुआ। बिस्मिल सईदी सीमाव अकबर आबादी के मुमताज शागिर्दों में से एक शागिर्द थे। आइए नाजरीन, बिस्मिल सईदी की इस फलसफियाना गजल को सुनते हैं और लुत्फंदोज होते हैं। वो भी क्या
हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। नाजरीन, बिस्मिल सईदी उस्ताद शायर हैं और उनके यहाँ रिवायती शायरी भरपूर तरीके से नजर आती है। उनके यहाँ जब हम उनकी शायरी को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नए रंग पुराने रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं। यही वजह है जब वो शायरी करते हैं तो उनके यहाँ कहीं कहीं रिवायती आहंग में जिद्दत भी नजर आती है और उनको सुनने वाले पढ़ने वाले उनसे लुत्फ़अंदोज होते रहते हैं। बिस्मिल सईदी साहब ने गज़ल, नज़्म और रुबाई तीन असनाफ़ सुखन को अपने वसीलाए इजहार के तौर पर कबूल किया और तीनों असनाफ में अपनी कादिरुल कलामी और फ़नी महारत का सबूत बहम पहुंचाया। बिस्मिल सईदी साहब एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में महलों के खुशगवार मुनाजरात का ज़िक्र आप देखेंगे तो वहीं मजदूर की झोंपड़ी की रंजीदा कहानियां उनके अशार में आपको देखने को मिलेंगी। बिस्मिल सईदी की गज़लें और शायरी बेहद शगुफ्ता अंदाज, शगुफ्ता बातें, दिलरुबा अंदाज, दिलरुबा बातें, वो सब चीज़ें आपको उनमें देखने को मिलेगी। बिस्मिल सईदी साहब का ज़िक्र अगर करें, बेहद अच्छी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। आप उनके इलाके, उनके शहर में उनकी मकबूलियत तो देखेंगे ही, लेकिन हिंदुस्तान और बल्कि उर्दू दुनिया के तमाम शोबों में जो बिस्मिल सईदी साहब की शख्सियत को मकबूल और पज़ीराई हासिल हुई है, वो बेहद उम्दा और अच्छे अंदाज में उनको मकबूलियत हासिल हुई है। उर्दू शायरी में दिल्ली में उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब और मोमिन ख़ान मोमिन उस्ताद माने जाते थे और दोनों का अपना अलग अलग तगज़ुल था। जहाँ गालिब के यहाँ तसव्वुफ़, शोखी और फ़लसफ़ा नज़र आता है तो वहीं मोमिन ख़ान मोमिन अपनी इश्किया शायरी और दिलचस्प अंदाज के लिए मशहूर हैं। बिस्मिल सईदी ने अपनी शायरी में मोमिन ख़ान मोमिन के अंदाज को अपनाया। आइए नाज़रीन, बिस्मिल सईदी की ये गज़ल रहने को हम कफ़स में रहे आशियां से दूर मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। नाजरीन, बिस्मिल सईदी क्योंकि उस्ताद शायर थे, इसलिए उनके यहाँ फनी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं। जो खसूसियात एक अच्छी शायरी की होनी चाहिए, वो तमाम तर खसूसियात उनकी शायरी में मौजूद हैं। अगर हम बिस्मिल सईदी की ज़बान पे बात करें तो शायरी में उनकी ज़बान बेहद सादा और सलीस थी। उन्होंने गज़ल कहीं, नज़में कहीं और रुबाइयाँ भी कहीं, और तीनों में अपनी फ़नी खूबियाँ याद दिलाते हुए नज़र आए। यही वजह है कि हम बिस्मिल सईदी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते, और वो इन्हीं खिदमात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बिस्मिल सईदी साहब ने अपनी गज़ल से मोहब्बत की पयंबरी का ही काम लिया है। बिस्मिल सईदी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जिस शख्स की बिस्मिल से मुलाकात हुई है, जिस शख्स की बिस्मिल से मुलाकात हुई है, वो शख्स मोहब्बत के पयंबर से मिला है। जिस शख्स की बिस्मिल से मुलाकात हुई है, वो शख्स मोहब्बत के पयंबर से मिला है। वाकई जहाँ भी उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, उनके दोस्त अहबाब, उनके अज़ीज़ अकारीब, परिवार से, ख़ानदान से, रिश्तेदारी से, जहाँ से भी, जिनसे भी आप मुलाकात करेंगे, वो वाकई उनकी एक अलग मिसाल देंगे कि वाकई वो मोहब्बत में अपने आप को चूर रखते थे, मोहब्बत के पैगंबर थे। आइए नाजरीन, बिस्मिल सईदी की इस फलसफियाना गज़ल को सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
आज के एपिसोड में हमने बिस्मिल सईदी की हयात पे बात की, उनकी खिदमात पे बात की, उनकी शायरी पे बात की और उनकी गजलों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।